जलाभिषेक के लिए मंदिर गई दो लड़कियां नयार नदी में डूब गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। युवतियों की मौत से परिजनों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी जिले के कोटद्वार में सतपुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज सोमवार सुबह 5:30 बजे करीब ग्राम ओडलसैन निवासी 24 वर्षीय रूबी उर्फ सरोज पुत्री श्याम सिंह रावत व ग्राम चैलसोन निवासी 15 वर्षीय अदिति उर्फ सोनी पुत्री निर्मल सिंह अन्य ग्रामीणों व स्वजनों के साथ दंगलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए गई हुई थी। जलाभिषेक से पहले वहां घाट पर नया नदी में नहाने लगी। इस दौरान सोनी का पैर फिसला और वो नदी की तेज धारा में बहने लगी। सोनी को बचाने के लिए रूबी ने प्रयास किया लेकिन वो भी नदी में गिर गई। इससे पहले ग्रामीण कुछ समझ पाते दोनों नदी की तेज धारा में गुम हो गए। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। स्थानीय तैराकों ने खोजबीन शुरू की तो करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवतियों के शव 1.5 किलोमीटर दूर सतपुली पुल के पास से बरामद हुए। दोनों युवतियों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना प्रभारी ने बताया कि सोनी अपने नाना ओडलसैन निवासी महावीर सिंह बिष्ट के घर आई हुई थी। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये YouTube चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें जिसका नाम है झूठे ब्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।